दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे अपने देश के हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ऐतिहासिक ब्लॉक के बारे में, जिसका नाम है सिरोंज। सिरोंज के इतिहास के बारे में हम जानकारी बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 1947 से पहले, स्वतंत्र भारत से पहले, सिरोंज राजस्थान का जिला हुआ करता था, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ऐतिहासिक जिला था, जिसमें सिरोंज से बहुत ही व्यापार हुआ करते थे। यहाँ से बहुत सारे रॉ मटेरियल थे ना, वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर जाते, क्योंकि सिरोंज के पास में यहाँ पर एक नदी गई है, जिसके द्वारा जो अपनी गुजरात से कनेक्टेड थी वहाँ से, और गुजरात से जितना भी सारा रॉ मटेरियल जाता था वो दूसरी कंट्री में जाता था। सिरोंज की खेती में बहुत सारे ऐसे अनाज पैदा होते थे, जिसमें से होता गेहूँ होता था, सोयाबीन होता था, और बहुत सारे दलहन फसलें होती थी, और उसके साथ साथ ही बहुत सारे राइस भी होते थे जो दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते थे। और 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया था, तो उसके साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 1956 के तहत मध्य प्रदेश को मतलब कि सिरोंज को मध्य प्रदेश में जोड़ लिया गया। सिरोंज एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर प्राचीन भारत में देखा जाए तो सिरोंज नगरी में महेश्वरियों का राज हुआ करता था। महेश्वरी यहाँ का एक बहुत ही उन्नत तथा समृद्ध एक राज्य हुआ करता था, जहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली राजा रहा करते थे और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन जब अपने देश में मुगलों का आक्रमण हुआ था, तो महेश्वरियों के साथ, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी जिसमें पद्मावत था, जो स्टोरी पद्मावती के साथ हुई थी, वो स्टोरी यहाँ की महेश्वरी की एक लड़की के साथ हुई थी। उस रात में कुछ मुगल शासकों ने महेश्वरी की बच्ची को किडनैप कर लिया था, तो उसको बचाने के लिए वो सभी लोग यहाँ से रातों रात निकल गए थे सिरोंज से, और ये शराब देकर गए थे सिरोंज में कि इस सिरोंज में महेश्वरी लोग कभी लौट के नहीं आएंगे। तो इसकी हिस्ट्री के अनुसार हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी भी कोई भी एक महेश्वरी परिवार भी अभी तक इस सिरोंज में नहीं रहता है। और अभी सिरोंज में हम विजिट करते हैं तो महेश्वरी की बहुत सारी हवेलियाँ हैं अभी भी सिरोंज में हैं, जहाँ पर उनके काफ़ी पुरातत्व मिलते हैं, उनके सबूत मिलते हैं, और काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है। और बिजनेस क्षेत्र में यहाँ की बात की जाए तो राजस्थान से, गुजरात से यहाँ से डायरेक्ट शिप की कनेक्टिविटी होती थी। और जैसे कि आपने देखा होगा कि स्वतंत्र होने से पहले जब देश अपना अंग्रेजों का गुलाम था, तो जी सिरोंज थाना ग्वालियर के क्षेत्र में आता था, जहाँ की महारानी थी जी रानी लक्ष्मीबाई थी। और ग्वालियर क्षेत्र में से जो तात्या टोपे जी थी ना, जब अंग्रेजों के साथ वो युद्ध लड़ते थे उनकी छिपा विद्या के कारण, तो तात्या टोपे का एक बार युद्ध हुआ था यहाँ पर, जहाँ महामाई क्षेत्र रहा वो वहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़ा था, तो जहाँ पर अभी भी उन लोगों की कब्रें हैं वहाँ पर उपस्थित हैं। तो तात्या टोपे का भी संबंध यहाँ सिरोंज से रह चुका है, और सिरोंज का संबंध हर एक जगह से रहा है। और यदि प्राचीन भारत के अनुसार बोला जाए तो सिरोंज को अपन बोलते हैं सोनितपुर नगरी। सोनितपुर नगरी किस तरीके से बोलते हैं? सोनितपुर नगरी ऐसे बोलते हैं क्योंकि लाने सिरोंज में ऐतिहासिक रूप से जो सोनितपुर नगरी थी, जिसे इतिहास के तौर पे बताया जाना है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाणासुर के उधर आए थे, उसका आक्रमण करे, तो ये बाणासुर की नगरी कहा जाती थी सिरोंज। तो इसके बारे में कुछ हिस्ट्रिकल फैक्ट थे। और अभी प्रेजेंट में यदि इसको देखा जाए तो सिरोंज एक ऐसा क्षेत्र है जो वैज्ञानिक दृष्टि से जब खगोलीय संरचनाओं का सर्वे हो रहा था, तब अपने सिरोंज में से पास में एक क्षेत्र रहेगा यहाँ पर, उसके वहाँ पर टेलीस्कोप जमाया गया था, जहाँ से पूरे ब्रह्मांड का सर्वे किया गया था। तो फ्रेंड, ये कुछ इसकी डिस्कशन थी सिरोंज के बारे में, और कुछ और खास बातें हैं जो आपको क्लिप के द्वारा आपके पास पेश किया जाएगा, और कुछ इमेजेस होंगी जो आपके साथ शेयर किया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।